नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। आज आम बजट पेश हो चुका है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इस आम बजट को पेश किया है, जिसके बाद एक बार फिर से देश भर में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष अभी भी इस बजट को एकदम नकार चुका है, वहीं सत्ता पक्ष के लोग इसे बेहद फायदेमंद बता रहे हैं, बहुत ही कारगर बजट बता रहे हैं। हम बात करें बिहार की, तो बिहार में भी इसको लेकर सियासत तेज हो चुकी है। JDU RJD तमाम नेता आपस में ही उलझने लगे हैं इस बजट को लेकर। आप देखिए JDU और RJD के नेता इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। आज देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट के जरिए देश में स्वास्थ्य को लेकर के जो हमारी चिंताएं हैं उसको काफ़ी हद तक महसूस किया है, और एक बड़ी राशि का प्रावधान वैक्सीनेशन के साथ साथ स्वास्थ्य मद में किया गया है। सीनियर सिटीजन से लेकर कृषि के क्षेत्र का सवाल हो या क्षेत्रीय विषमता को लेकर कई ऐसे ऐलान हैं जिससे विकसित और पिछड़े राज्यों के बीच का जो विकास का फासला है वो कम हो सकेगा। यह एक संतुलित बजट है और निसंदेह कोरोना संक्रमण के एक मुश्किल दौर से देश उभरा, और जो अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल स्थितियां थी उनका सामना करते हुए एक उम्मीद बंधाने वाली बजट इसे हम कह सकते हैं। किसान विरोधी है ये आम बजट जो है, इस आम बजट से देश का भला होने वाला नहीं है ये दिख रहा है। इसलिए इस सरकार के रहते देश का भला होने वाला नहीं है, और डबल इंजन की सरकार से बिहार को कुछ नहीं मिल रहा है। विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं, तो 39 सांसद बिहार के कर क्या रहे हैं। इसलिए ये बजट गरीब विरोधी है, जन विरोधी है, किसान विरोधी है। केंद्र की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, और पिछले 5-6 वर्षों की तरह। तो आपने सुना, देखा किस तरीके से राजद के नेता मृत्युंजय तिवारी ने इस बजट को लेकर सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। वहीं JDU के नेता राजीव रंजन ने जमकर सरकार की तारीफ की है और यहां तक कह दिया है कि ये जो बजट है वह बेहद फायदेमंद है। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।